नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में आप महाराज जी की कुछ ऐसी शिक्षाओं से, महाराज के कुछ ऐसे निर्धारित मूल सिद्धांतों से अवगत होंगे, या जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि महाराज जी ने जो शिक्षाएं अपने जीवन में भक्तों तक फैलाई हैं, वो आज भी उतनी ही कारगर सिद्ध होती है जितनी कि महाराज जी के जो भौतिक शरीर है उस दौरान ये होती थी। आज का हमारा ये अंक महाराज जी की जो बहुत ही दुर्लभ जो उनकी प्रकृति है उससे संबंधित है, क्योंकि महाराज जी सदैव मुस्कुराते रहते थे। उनकी वाणी सदैव अमृत की तरह कानों में उतरती थी और महाराज जी सदैव ये चाहते थे कि सभी को किसी न किसी प्रकार से नई शिक्षाएं प्रदान की जाए जिससे जीवन में उसकी उन्नति हो सके। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि महाराज जी कुपित भी हो जाते हैं, या महाराज जी क्रोधित भी हो जाते हैं, या ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं, या ऐसी कौन से जो कार्य हैं वो आपको कभी नहीं करने चाहिए जो महाराज जी को क्रोधित या रुष्ट कर सकते हैं। महाराज जी ने अपने एक संदर्भ में अवश्य इस बात पर भी जोर दिया है। महाराज जी का कहना था कि जो व्यक्ति, जो भी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो महाराज जी को कभी भी पसंद नहीं आते। महाराज जी ने स्वयं अपनी वाणी में एक संदर्भ में ऐसा कहा था कि जो भक्तों से बैर करता है वो मेरा भी निज बैरी बन जाता है। यानी कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी से भी बैर रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं या कुंठित वाणी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो महाराज जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते हैं। वो महाराज जी के प्रति अप्रिय बन जाते हैं और महाराज जी उनसे रुष्ट भी हो जाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में आप कभी भी किसी से ईर्ष्या का भाव न रखें। सभी के प्रति अपनी सद्भावना रखिए, सभी के प्रति अपने सद्विचार रखिए। चाहे कोई भी आपसे कितनी भी ईर्ष्या करता हो, लेकिन आपको अपने कर्म से, अपनी तरफ से किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। जीवन में सभी को आगे बढ़ने का हक जरूर है, सभी को जीवन में आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन दुर्व्यवहार के साथ, दुर्भावना के साथ और कुपित शब्दों के साथ में कभी भी आप वार्ता मत करिए और सदैव दूसरों के प्रति सद्भावना रखिए। क्योंकि ये दूसरी तरह से अगर इसी बात को कहा जाए तो ये कर्म चक्र में भी इसी बात पर बल दिया गया है कि जीवन में जो ये हमारा जीवन है ये कर्म प्रधान है और हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, कार्य अच्छे करने चाहिए, क्योंकि वही लौटकर किसी न किसी रूप में हमारे पास आता ही है। क्योंकि महाराज जी भी इस बात को अवश्य कहते थे कि कर्म यदि आपके अच्छे हैं, कर्म यदि प्रधान है और आपने कर्म अच्छे किए हैं, तो आप जीवन में अपने अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल पाएंगे। जैसा कि हमें बचपन में ये सीख दी जाती है कि हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और अच्छे कार्य का हमेशा अच्छा ही फल होता है, तो ये छोटी सी बात आपने बचपन में अवश्य सुनी भी होगी, देखी भी होगी, लेकिन ये बात सुनने में जितनी भी छोटी है वो जीवन में इसका इस्तेमाल अगर हम करना शुरू कर दें, इसको जीवन में अगर हम उतारना शुरू कर दें, तो ये बात पूरे जीवन भर के लिए भी इतनी विस्तृत है, इतनी असीम है कि हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। महाराज जी भी यही कहते हैं कि जीवन में हमारे समक्ष जितने भी, या हम पूरे दिन में जितने भी लोगों से मिलते हैं, यदि हम अपना व्यवहार सबके प्रति समान और सद्भावना अपना सही रखें, तो आप पाएंगे कि आप एक एक दिन बदलते हुए अपना पूरा जीवन बदल देंगे। देखिए, ये जो जीवन है ना, ये अपने आप में एक प्रतिरूप है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि यदि हम किसी शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें हमारा ही प्रतिरूप उसी प्रकार से दिखता है जैसा कि हम शीशे के सामने अभिनय करते हैं। उसी प्रकार से जीवन में हम जिससे जैसा व्यवहार करेंगे, हम उससे वैसा ही व्यवहार पाएंगे।
तो यदि आप किसी से सद्भावना के साथ में, अच्छी भावना के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छी वाणी के साथ यदि किसी से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि स्वाभाविक तौर पर आपको भी वैसा ही प्रत्युत्तर मिलेगा। और यही चीज़ कर्मों के साथ भी महाराज जी ने बताई है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे या जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही आपको उसका प्रतिरूप, प्रतिउत्तर और जीवन में सभी घटनाएं आपके उसी के अनुरूप मिलेंगे। इसलिए महाराज जी का कहना था कि जो भी भक्तों से बैर करता है या जो भी भक्त किसी से बैर रखता है वो मेरा भी बैरी बन जाता है। तो महाराज जी के इस वाक्य को आपको अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना चाहिए। यदि आपने इस वाक्य को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाते हुए अपने जीवन में उतार लिया तो शत प्रतिशत आप विश्वास मानिए आपका पूरा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। महाराज जी ने इस बात को बड़े ही जोर देते हुए कहा था कि यदि आप इस बात को अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये ऐसा आप विश्वास मानिए कि महाराज जी आप पर सदैव सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और महाराज जी के प्रति आपका ये सद्भाव ही आपको धीरे धीरे करके महाराज जी के और करीब कर देगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के इस अंक को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।